बिहार में अभी भरोसे का सरकार है, इसलिए अभी ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। जिस दिन बीजेपी का सरकार आ गया ना, मुल्लाओं का मार चोट के रख देंगे। इंतजार कीजिए 2025 का, सिर्फ हिंदू भाई सपोर्ट कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे थे ये वीडियो इंडिया के बिहार का है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस तरह के भड़काऊ भाषण काफ़ी ज़्यादा ये आदमी सोशल मीडिया पर डाल चुका है और इसकी गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी कौम का आदमी इस तरह का वीडियो अपलोड करने से डरता है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो किस तरह से वीडियो अपलोड करता है। बाकी आप वीडियो देखकर इसके चौंक जाएंगे, लेकिन यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए सभी लोगों को इस वीडियो के बारे में हमने अपडेट किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर एक बार कमेंट करें। الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الحمد لله على ما قضى وقدر الحمد لله الذي أعطى والحمد لله الذي أخذ اللهم لك الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ الحمد لله الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنها جات على كذا ما جات في البشر الحمد لله दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। सऊदी अरब में अगर आप रहते हो तो सऊदी अरब में रहने के साथ में आपको सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर एक जगह में आग लगने की वजह से 2 लोग झुलस गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ठंड में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको सावधान सतर्क रहते हुए आग जलाना या हीटर का प्रयोग करना है। दोस्तों अगली खबर एक ज़रूरी खबर है। OIC ने भारत में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा चिंता व्यक्त किया। इसके अलावा जो अभी आप वीडियो देख रहे थे ये ओसामा अल शरीफ का है। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन गाड़ी अभी नई कार रिसीव हुई है और किस तरह से हालत है आप देख ही सकते हो, बाकी आपने वीडियो में देखा ही होगा।